नमस्कार, मैं हूं माधु और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या मामले में पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने किया।
अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच की सूचना पर दरगाह थाने इलाके से मुंबई के शातिर चोर साबिर को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना पुलिस ने मुंबई के शातिर चोर साबिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चोर द्वारा मुंबई के एक मंदिर से लाखों रुपए की चोरी का आरोपी है और वारदात के बाद से ही फरारी काट रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की सूचना पर दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20,000 रुपए नगद बरामद कर लिए एवं मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला भी कर दी गई है। ये कल दिन में 12 बजे करीब मुंबई में जो विराट क्राइम ब्रांच है, विराट क्राइम ब्रांच से एक मैसेज आया था कि आपके यहाँ एक अपराधी जो हमारे यहाँ मीरा रोड पुलिस थाना पर हुई एक मंदिर चोरी में वांछित है, वो दरगाह थाना क्षेत्र में कहीं ठहरा हुआ है गेस्ट हाउस में। उसके बाद लगातार सघन अभियान चलाया, होटल रेस्ट ये जो गेस्ट हाउस हैं उनमें चेक किया लगातार, तो सायं करीब 8-8:30 बजे के आसपास ये पता चला कि एक व्यक्ति जो लब्बे गेस्ट हाउस में ठहरा है और वो संदिग्ध जो है वो वही हो सकता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे उसकी पत्नी के साथ वहाँ से दस्तयाब किया था। पत्नी को सुरक्षित वहीं छोड़ा और उसको चूँकि वो नकबजनी का आदी है, 7-8 मुकदमे उसके खिलाफ मुंबई में जगह जगह दर्ज हैं, उसको धारा 151 के तहत अरेस्ट किया और मुंबई क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना वापस दी कि भाई इसको हमने अरेस्ट कर लिया 151 में। टीम रवाना हो गई है और अभी पहुंचने वाली है। उसका नाम साबिर अली है और नाला सोपारा जगह पर रहता है अभी प्रेजेंट। 20,000 रुपये उसके पास नकद मिले हैं और जो वहाँ पर नकदी गई बताई वो 1,00,000 रुपये बताई है और जिसमें से 20,000 इसके पास मिले हैं और एक इसका साथी है सोहेल, कुछ पैसे ये बता रहा है मैंने उसको दिए हैं। पुष्कर में नए बनने वाले अस्पताल के लिए सरकार द्वारा की गई भूमि आवंटन का विरोध लगातार जारी है। इस संबंध में समाज सेवियों और पुरोहितों द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जमीन बदलने की मांग की गई। पुष्कर में नए अस्पताल बनने के लिए सरकार द्वारा चयनित की गई भूमि के लिए जन प्रतिनिधि, तीर्थ पुरोहित संघ व समाज सेवियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस संदर्भ में समाज सेवियों द्वारा आवंटित अस्पताल भूमि बदलने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटन राज्य सरकार ने की है उसके लेके और उसके पूर्व में जो नवीन हॉस्पिटल के लिए भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर ने चिन्हित करके आरक्षित की थी, उन दोनों के संबंध में तथ्यात्मक सारे ठोस सबूत दिए हैं कि जो अभी भूमि आवंटित की है वो सब कैचमेंट एरिया में जिसके तीन तरफ फीडर बने हुए हैं और जो पुरानी नवीन चिकित्सालय के लिए भूमि आरक्षित थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नगर नियोजन विभाग से नहीं है और नगरपालिका ने ये सारे तथ्य छुपाए रखे आज तक और गलत तथ्य देके राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करती रही। जब हमने गहराई से इस बात का पता लगाया तो ये जो पूर्व में चिन्हित भूमि है 20 बीघा वो रेत के टीले के रूप में आरक्षित है मास्टर प्लान में, न कि खुले मैदान और ग्रीन बेल्ट में। नगरपालिका ने ये सारे तथ्य आज तक छुपाए रखे और जहाँ पार्क और खुले मैदान की भूमि है उसमें नगरपालिका ने खुद ही अपने मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ा के और वो स्कूल के लिए कॉलेज के लिए सीधे आवंटित ही कर दी, उसका भूपयोग परिवर्तन भी नहीं पूछा गया। जबकि कोई अन्य स्कूल उस जगह पे भूमि मांगती है तो उसको भूपयोग विभाग में भेज के और उसको निरस्त कर देते हैं कि यह पार्क और खेल मैदान की भूमि है। तो नगरपालिका के इस प्रकार के विरोधाभासी जो कारनामे चल रहे हैं उसको लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे ठोस सबूत दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और चिकित्सा मंत्री और स्वास्थ्य शासन मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी जी को अभी हमने दिया है, जिससे वो इस सारे मामले की पूरी तय तक जाके जाँच करके और जो पूर्व चिन्हित भूमि कलेक्टर महोदय द्वारा उसी जगह पर यदि चिकित्सालय बनता है तो हमारी पुष्कर की जनता के व्यापक हित में और पुष्कर तीर्थ के अस्तित्व से जो खिलवाड़ और विश्वासघात किया जा रहा है उस भूमि को निरस्त करके और पूर्व में चिन्हित भूमि का ही आवंटन करके चिकित्सालय बनना चाहिए। हमारा चिकित्सालय से कोई विरोध नहीं है, हमारा जहां भूमि आवंटन की गई है वो पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के लिए भारी आघात पहुंचाने वाली जगह है, उसको हम निरस्त कराना चाहते हैं। हमारा यही आज उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और हमने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आज उपखंड अधिकारी जी को सौंपा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अस्पताल वाले मसले को लेकर और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अरुण जी भाई साहब ने सबमिट किए हैं और आज तक के पालिका ने क्या क्या गालगुसेड़ कर रखा है, इस ज़मीन के लिए झूठे तथ्य पेश कर दिए गए आगे राज्य सरकार के पास डीएलबी के पास में, उन सारे तथ्यों को लेकर ऑथेंटिक सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र वासियों ने घरेलू कनेक्शन दिए जाने के बजाय व्यवसायिक कनेक्शन मिलने पर कलेक्टर से डोमेस्टिक कनेक्शन की मांग की एवं पानी की समस्या से भी अवगत कराया।
ट्रांसपोर्ट नगर डी ब्लॉक में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली व पानी की समस्या से अवगत कराया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्हें कॉमर्शियल कनेक्शन दे दिए गए, जबकि मकान में रहने वाले लोगों को डोमेस्टिक कनेक्शन की आवश्यकता है। साथ ही पीने के पानी की समस्या से भी अवगत कराया। आज हमारे गोल्ड सुप टीम डी ब्लॉक के जो ट्रांसपोर्ट नगर के सामने हैं दोराई में, उसके प्रॉब्लम के सिलसिले में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। और पूर्व में भी हमने कलेक्टर साहब को ये दिया था 10/8/20 को, तो कलेक्टर साहब ने एडी और टाटा पावर को बुला के और लाइट की जो समस्या थी वो पूरी निपटा दी थी। और लेकिन उन्होंने जो लाइट दी हमको वो कॉमर्शियल दे दी, होनी चाहिए डोमेस्टिक। इस सिलसिले में हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिले गए महीने भी 15/4 को, और फिर कोरोना का चल गया था लॉकडाउन, तो उस संबंध में उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपकी ये कार्रवाई कराएंगे। आज फिर हम एक ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जो रहवासी डी ब्लॉक वाले हैं उनको लाइट की ये प्रॉब्लम है कि कॉमर्शियल अमाउंट देना पड़ रहा, डोमेस्टिक कराओ। और टाटा पावर भी हमारी तरफ रेडी है कि हम जल्द से जल्द आपको लाइट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ प्लेटफॉर्म डी ब्लॉक में गोल्ड सुख में बना दिया है। दूसरा एक पेय समस्या है जल की, वहाँ बोरिंग का पानी आता खराब, वो पीने लायक ही नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है, बड़ी समस्या है। इसके लिए सबको कैंपर लेने पड़ते हैं। और पेयजल के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में बीसलपुर की लाइन है, केवल एक सड़क का मामला है, उसकी कटिंग होकर अगर लाइट पानी दे दें हमके तो सबको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। कारण ये है कि बीसलपुर का पानी के लिए बजट भी गवर्नमेंट की तरफ से आवंटित हो गया है पीएचडी को, बस यही है कि ये गति में आए ये पेपर, हम लोगों की सुनवाई हुई प्रशासन, तो जल्द से जल्द इस पर। प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग में पुष्कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में अजमेर दियास से प्रदेश कार्य समिति सदस्यों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला तथा सरकार को सिर्फ नाकामी छुपाने और झूठी वाहवाही लूटने वाली सरकार बताया। यहाँ गुलाब निवास होटल में जयपुर में जो वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसके अंतर्गत अजमेर देहात के जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक यहाँ होटल गुलाब निवास में पुष्कर मंडल के तत्वाधान में रखी गई थी, जहाँ पर आज हमने पुष्कर मंडल की ओर से भी हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ दिवंगत नेता सुंदर सिंह जी भंडारी है उनकी भी आज जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, पुण्यतिथि है, उस अवसर पर आज हमने पुष्पांजलि चढ़ाकर सुंदर सिंह जी भंडारी के जीवन मूल्यों के ऊपर हमने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया और आज हम सब प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल में भाग लेना। नर्सेस कर्मचारियों द्वारा जेलन अस्पताल के बाहर 2 घंटे का बहिष्कार किया गया, 10 संविदा कर्मियों को नौकरी पर वापस लेने की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। जेलन अस्पताल के बाहर नर्सेज कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 व्यक्तियों को आदेश पर कार्यमुक्त किया गया था, उन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले 10 यूटीबी कर्मचारियों को 9 अप्रैल 2021 में सरकार के आदेश अनुसार प्रधानाचार्य नियंत्रक महोदय जेल मेडिकल कॉलेज द्वारा निकाल दिया गया था। जो कर्मचारी अल्प वेतन में वर्षों से 10 से 12 साल से स्वाइन फ्लू जैसी महामारी में तथा कोविड जैसी विश्व महामारी में अद्भुत उन्होंने सेवाएं दी, रात दिन मेडिकल आईसीयू और जो कोरोना आईसीयू हैं उनमें अपनी सेवाएं दी, ये प्रशिक्षित नर्सेज थी जिनको सरकार ने अभी 9 अप्रैल को निकाल दिया। ये कर्मचारी लगभग 40 से 50 की साल की उम्र के इर्द गिर्द हैं, अब ये कर्मचारी कहीं दूसरी जगह भी जॉब के काबिल नहीं रहे। सरकार से ये अपने शांतिपूर्ण तरीका से 60 दिन से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन इनके ऊपर थोड़ी सी भी दया दृष्टि नहीं दिखा रही है। सरकार इधर को यूटीबी कर्मचारी 7,900 पर निकाल रही है, हर राज्य के प्रत्येक जिले में यूटीबी कर्मचारियों की भर्ती ले रही है, उधर ही मेडिकल कॉलेज उदयपुर मेडिकल कॉलेज और कोटा मेडिकल कॉलेज में यूटीबी कर्मचारियों को निकाल रही है, जबकि ये कर्मचारी प्रशिक्षित हैं पूर्ण रूप से, कोरोना जैसी महामारी के लिए भी प्रशिक्षित हैं और अन्य बीमारियों के लिए, सर्जिकल आईसीयू हो चाहे मेडिकल आईसीयू हो चाहे कोरोना के जैसी किसी भी बीमारी के लिए ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नर्सेज हैं जिनको सरकार ने निकाल दिया है। हमारी एक ही मांग है, अगर सरकार इन कर्मचारियों की पुनः बहाली नहीं करती और नर्सिंग भर्ती 2018 में पद सृजित करते हुए पद बढ़ाते हुए इनको नियमित किया जाए तथा इनकी 7 माह से जो बकाया वेतन है वो दिया जाए, अगर सरकार व प्रशासन नहीं मानता है तो आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया, मजबूरी में हमको इस सांकेतिक प्रदर्शन को हम रेगुलर कर सकते हैं। जेलन मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी के बाहर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। यहाँ का लोकल प्रशासन और राज्य सरकार हमारी यूटीबी कर्मचारियों को बहाल नहीं करती। आज तो 2 घंटे की हम
कार्य बहिष्कार किया है। आगे हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हमारे जो दस नर्से ड्यूटी भी हटाए गए हैं उनको पुनः लगाए जाए। ये 10 से 15 साल से इसी अल्प वेतन के ऊपर इसी मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे थे। एक तो सरकार दूसरी तरफ यूटी भी कर्मचारियों को ले रही है और दूसरी तरफ हमारे साथी हैं जो 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं जिनकी और एज भी हो गए हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे और हम यहाँ के सुप्रिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर महोदय को भी ये कहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग मान ली जाए, नहीं तो अस्पताल की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और जब सारे नर्सेज पूरे प्रदेश के एकजुट हो जाएंगे तो इसका खामियाजा राज्य सरकार को सहन करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और फिर हमारी एक मार्मिक अपील है, हमारे साथियों को वापस कार्य बहाल किया जाए और यही हमारी एक मुख्य मांग। ब्यावर नगर परिषद में हुए घूस कांड मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षदों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस घूस कांड में शामिल पार्षदों के निलंबन की मांग की गई। ब्यावर नगर परिषद के कांग्रेस पार्षदों द्वारा और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।